हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लास्ट टाइम हमने पर्क डिफेंस के बारे में वीडियो बनाए थे। आज मैं आपको आज से एक नई ओपनिंग सिखाऊंगा जिसका नाम है फ्रेंच डिफेंस। फ्रेंच डिफेंस में बहुत सारे वेरिएशन हैं और बहुत लोगों की फेवरेट ओपनिंग है ब्लैक की ओर से, और वाइट प्लेयर को कई बार प्रॉब्लम होता है कि क्या खेले अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस, व्हाट इज द बेस्ट लाइन। मैं आपको वाइट के लिए बेस्ट चॉइस बताऊंगा और बेस्ट लाइन बताऊंगा फ्रेंच डिफेंस की। फ्रेंच डिफेंस बहुत ही फेमस लाइन है, पहले बहुत खेली जा चुकी थी। e4 e6 ये होती है फ्रेंच डिफेंस। सेकंड मूव d4 और ब्लैक का बेस रिप्लाई होता है d5। फ्रेंच की ये दो मूव पैटर्न है। इसके बाद अगर हम चाहे तो एक्सचेंज वेरिएशन खेल सकते हैं, एडवांस वेरिएशन खेल सकते हैं, टारास वेरिएशन खेल सकते हैं 92 और विनावर वेरिएशन। ये चार वेरिएशन है। मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन सिखाऊंगा वाइट की ओर से, विनावर वेरिएशन। सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है विनेवर NC3। ये हमारी थर्ड मूव होगी। इसके बाद D2E4 वाली लाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि ये ब्लैक के लिए ठीक नहीं है D2E4, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे एक्सचेंज। मोस्ट पीपल बिशप D4 खेलेंगे और रेयर ऑप्शन में नाइट F6 रिप्लाई आता है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे BB4 के ऊपर। बिशप B4 के बाद E5। तो यहां पे दोस्तों मेन चॉइस, ब्लैक की मेन चॉइस आपको तैयार करनी है C5। पहले मैं आपको बताऊंगा इस मूव के बाद ब्लैक के पास दो रेयर ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। रेयर ऑप्शन में एक तो है B6 और दूसरा है नाइट E7। ये दोनों रेयर ऑप्शन। उसके रिप्लाई में क्या करना है, जैसे कि B6 किया ब्लैक ने, यहां पे आपको A3 करना है। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप टेक C3, यहां आपको करना है B takes C3, क्वीन D7, यहां आपको खेलना है QG4। ब्लैक रिप्लाई देगा F5, क्योंकि G7 पे क्वीन का अटैक है, और यहां आपको करना है क्वीन G3। ब्लैक यहां पे खेलेगा बिशप A6 और यहां बिशप D3। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो इस पोजीशन में, बिशप टेक्स A6 आफ्टर नाइट टेक्स A6, और यहां पे सिंपल डेवलप करके ये पोजीशन से भी खेल सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे 97 फोर्थ मूव, जो रेयर ऑप्शन बताया B6 के बदले। यहां पे ब्लैक 97 करे तो यहां भी आपको खेलना है A3। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप टेक C3, B takes C3, और उसके बाद ब्लैक B6 करेगा और यहां पे आपको खेलना है QG4। किंग F8 ये मेन चॉइस होती है, यहां पे आपको खेलना है नाइट F3, बिशप A6, और इस पोजीशन में मैं आपको कैप्चर करने के बजाय बिशप D3 की सलाह दूंगा, क्योंकि किंग मूव हो चुका है, कैसलिंग नहीं होगा। तो ये थे रेयर ऑप्शन। फ्रेंच डिफेंस बहुत ही फेमस लाइन है। अब आते हैं मेन लाइन पे। चलिए यहां पे E4, E6, D4, D5, then Knight C3, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप B4, यहाँ आपको E5 करना है और ब्लैक का मेन पार्ट है C5। यहाँ से आगे भी हमें बहुत सारे लाइन सीखने हैं दोस्तों। हमारी मेन मूव है A3। इतने मूव्स के बाद वाइट का फिफ्थ मूव होगा A3। अब देखो बेस्ट चॉइस कौन सी कहते हैं इसमें, बिशप C3 इज अ बेस्ट, लेकिन कुछ लोग C D4। C D4 में
आपको यहां करना है ए क्रॉस बी फोर डी इंटू सी थ्री और यहां आपको खेलना है नाइट एफ ई फाइव को कंट्रोल कर लो। पॉन टेक्स पॉन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहां ये मैंने साइड लाइन बताई है, मेन लाइन आपको पता ही है कि यहां पे बिशप टेक्स सी3 है। इसके बारे में हम लोग इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम साइड लाइन देखेंगे और सी इंटू डी फोर वाली लाइन। Nf3 के बाद टोटल मूव हो गए हमारे 7। अब टोटल 4 चॉइस है। एक चॉइस है नाइट e7, दूसरी चॉइस है नाइट e7, थर्ड चॉइस है c×b2 और फोर्थ चॉइस है qc7। चलिए चारों चॉइस के सामने कैसे रिप्लाई देना है पहले देखते हैं। नाइट d7 अगर ब्लैक खेलता है यहां तो यहां पे आपको करना है qd4, c3 पे अटैक करना है। qd4 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा c×b2, यहां पे आपको बिशप टेक्स b2 करना है। अब ब्लैक नाइट e7, नाइट e7 के बाद बिशप d3, ब्लैक रिप्लाई देगा qb6, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉन ब्लैक के पास एक्स्ट्रा है तो हो सकता है वो डेवलप के बजाय एक्सचेंज वेरिएशन खेलेगा। यहाँ पे हमें एक्सचेंज नहीं करना है, क्वीन g4 और अटैक कंटिन्यू करना है। ब्लैक रिप्लाई देगा h5, यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन f4, नाइट c6 और यहाँ पे बेस्ट चॉइस है b5। इसके बाद व्हाइट की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो जाती है। ये सारे मूव देख लीजिए, बहुत ही काम में आएगा। फ्रेंच में आप मास्टर बन जाओगे हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच। मैं फ्रेंच के बारे में नहीं बना रहा हूं वीडियो, फ्रेंच के सामने कैसे खेलना है ये ध्यान रखना। चलिए नाइट d7 के बदले नाइट e7, ये है दूसरे चॉइस। यहां आपको खेलना है बिशप d3, क्वीन d4 नहीं। अब मूव चेंज हो जाएगा, नाइट को f5 या g6 पे आने से रोकते हैं। bd3 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट d7 और यहां आपको करना है सिंपल शॉर्ट कैसल। और अब ब्लैक का रिप्लाई होगा nc6, इस पॉन पे दो अटैक। और यहां मैं सिंपल re1 से सपोर्ट करूंगा। ब्लैक नाइट टेक्स b4 करता है तो यहां आपको पॉन टेक्स पॉन करना है। आफ्टर नाइट टेक्स d3 यहां पे आपको c टेक्स d3 करना है और ब्लैक रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसल और यहां आप d4 करके आगे खेल सकते। और इससे बेटर ऑप्शन भी है बिशप a3, बिशप a3 भी है और यहाँ पे नाइट g5 देन क्वीन h5 वगैरह वगैरह आप अटैक सोच सकते हो। चलिए 7th मूव में थर्ड चॉइस नाइट e7 के बदले c×b2। c×b2 में आपके करना है बिशप टेक्स b2, नाइट e7 ब्लैक रिप्लाई देगा। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप d3 जो डेवलप होता है लाइट स्क्वायर अटैक। Nb6 ब्लैक रिप्लाई देगा, दोनों नाइट डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे आपको करना है qd2 और उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट g6 जो बिशप के अटैक को स्टॉप करने के लिए और e5 पॉन पे प्रेशर बनाने के लिए। तो उसके रिप्लाई में आपको यहाँ पे काउंटर अटैक करना है b5। ऑलरेडी ये पॉन को दो सपोर्ट है जो नाइट का भी है और बिशप का भी है, इसलिए वो मार नहीं सकता इस पॉन को। तो b5 का रिप्लाई एक ही बेस्ट है नाइट b8। नाइट b8 के सामने यहाँ आप खेल सकते हो h4 देन h5 की थ्रेट के साथ गेम में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 7th में क्वीन c7 एक फोर्थ जो चॉइस है पॉन मारने के बजाय
ब्लैक यहाँ पे क्वीन सी सेवन करके डेवलप कर सकता है। यहाँ आपको सिंपल रिप्लाई देना है क्यू डी फोर सी इंटू बी टू और यहाँ पे बिशप टेक्स बी टू। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी सिक्स क्वीन पे अटैक विथ फॉर्क बी फोर पॉन पे और ये तीनों जगह पे अटैक है। तो एन सी सिक्स के बाद आपको सिंपल क्वीन सी थ्री और नाइट को पिन करना है ताकि नाइट मूव करेगा तो आपको यहाँ पे क्वीन मिल जाएगी। तो क्वीन सी थ्री के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा क्यू बी सिक्स और यहाँ पे आपको खेलना है बी फाइव और अटैक दिस नाइट। तो एन सी ई सेवन ओनली बेस्ट ऑप्शन है। एन सी ई सेवन के सामने आपको खेलना है बिशप ए थ्री अटैक ऑन दिस नाइट और एक्सरे अटैक ऑन एफ एट स्क्वायर जो कि इनको कैसलिंग करने से रोक सकता है। उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा ए फाइव और यहाँ पे आपको बिशप सी फाइव अटैक ऑन दिस क्वीन। तो क्वीन डी एट ओनली ऑप्शन है क्योंकि क्वीन के पास कोई स्पेस नहीं है। आफ्टर क्वीन डी एट बी सिक्स और सारे स्पेसिस आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक फ्री होने के लिए ए फोर खेलेगा और यहाँ पे आपके पास बेस्ट चॉइस है नाइट डी फोर। बिशप डी सेवन डेवलप करेगा माइनर पीस और यहाँ पे आपको खेलना है नाइट बी फाइव। बिशप बी फाइव पॉसिबल है लेकिन वहाँ पे बिशप टेक्स बी फाइव के बाद कम्प्लीटली ब्लैक वाइट विनिंग है। तो किंग एफ एट मूव करेगा और यहाँ पे आपको खेलना है क्यू बी फोर विथ डबल अटैक। तो दोस्तों ये थी आज की लाइन फ्रेंच डिफेंस की। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन लाइन बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वन बाय वन पूरी सीरीज देख लीजिए फ्रेंच डिफेंस के सामने, आपको खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।